नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं एक बार फिर से जानी पहचानी जगह राज डेयरी फार्म से। और जैसा कि मैं काफ़ी बार कहता हूँ, बहुत ही कम ऐसे डेयरी फार्म है जिनकी आजकल आप वीडियो शूट करते हैं। और राज डेयरी फार्म वो डेयरी फार्म है, या तो आपको वीडियो मिलेगी SDF पर या इनके खुद का कोई फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे खचाखच भरा हुआ है इनका डेयरी फार्म, केवल पशुधन से ही नहीं, जो आदमी भी हैं वो भी देखिए आप आगे से पीछे तक जो है बहुत सारे जो है आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं। और सारे जो भाई हैं वो कोई भैंस लेने वाला, कोई बेचने वाला, और कई जो पार्टियां हैं वो देखिए पीछे बैठी हैं। इस सर्दी के सीजन में लोगों को एक एक ग्राहक भी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन राज डेयरी फार्म का व्यवहार देखिए, बातचीत देखिए कि इनके पास आज मैं कहूँगा फुल जो है पशुधन भी खड़ा है। तो जो भाई हैं पशुधन लेने वाले वो भी काफी सारे आए हुए हैं। प्रमोद से बात करेंगे पहले। भाई साहब राम राम। राम राम सुरेंद्र भाई, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है सुरेंद्र। तो भाई साहब कितना पशुधन है आज अपने पास? सुरेंद्र भाई 30-35 भैंस खड़ी हैं इधर, टोटल 50 भैंस जाएंगी। ये कहाँ जाएंगी? महाराष्ट्र में जालना जाएगी। जालना? छत्तीसगढ़ में भिलाई जाएगी। ठीक है। पूना जाएगी। ठीक है। कोल्हापुर जाएगी। झांसी से आए हुए हैं भाई, झांसी यूपी में जाएगी। ठीक है। कई जगह टोटल 50 जाएंगी। 50 जानी है और भैंस मिला के। ठीक है। तो ये सारी एक एक गाड़ी हर अलग अलग जगह जाएगी? कोई किसी ने 7 लिया है, किसी ने 15 भी लिया है, तो किसी ने 10 लिया है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। हाँ। तो किधर से शुरू करें आप पशु देखना? किधर से शुरू करें? एक नंबर से देखना शुरू करते हैं। और देखिए जो HF की बच्चियां हैं वो देखिए, जोड़ा एक ही माँ की है के दोनों? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, वैसे जोड़ा तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही माँ की हो। अलग अलग। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले जो एक नंबर पे भैंस है ये प्रमोद भाई? सुरेंद्र भाई दूसरे ब्यांत में है, 17-18 किलो दूध की भैंस है, अभी 15 किलो दूध मौके पे तैयार है। ठीक है। आज लगभग 6-7 दिन की ब्याई है। ठीक है। 1,30,000 रुपए की दी है ये। 1,30,000 की दी है, 15 किलो दूध मौके पे तैयार है। ठीक है। देखिए जी, फुल ऊंचाई लंबाई की बढ़िया साफ सुथरी भैंस, और 1,30,000 रुपए की जाएगी ये। कौन सी जगह जाएगी? ये पूना जाएगी, महाराष्ट्र में। पूना महाराष्ट्र में। ठीक है। दो नंबर पे एक और बढ़िया साफ सुथरी भैंस, बढ़िया ऑर्डर की क्वालिटी ये प्रमोद भाई? दूसरे ब्यांत की है ये भी, 17 किलो दूध तैयार है इसमें भी। और कितने की दी है? 29,000 रुपए की दी है। 129। 10 दिन की ब्याई हो गई। 10 दिन की ब्याई, देखिए जी बहुत ही बढ़िया पीठ वगैरह की क्वालिटी काफी बढ़िया, और अडर थन देखोगे तो वो देखिए, और भी लाजवाब ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। ले आ भाई, ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया। और इससे आगे फिर एक और भैंस आ गई जी, ये प्रमोद भाई? सुरेंद्र भाई दूसरे ब्यांत की है ये भी, खीस से खाली होते 13 किलो दूध तैयार है। खीस से खाली होते 13 किलो दूध तैयार है इसमें, 1,22,000 रुपए की दी है ये। 1,22 की? हाँ जी। ये देखिए जी 1,22,000 रुपए की, बहुत ही बढ़िया ये भी एक और भैंस। और रेट वगैरह के बारे में आप जितने भी भाई हैं वो साथ साथ कमेंट्स करते रहें, बताते रहें कि कैसा पशुधन दिखाई दे रहा है आपको। इससे आगे एक और दूसरे ब्यांत की सुरेंद्र, खीस से खाली होते ही 12-13 किलो दूध तैयार है, 3-4 दिन की ब्याई है, 16-17 किलो दूध निकालेगी भैंस। कितने की दी? 1,28,000 रुपए की दी है ये। 1,28 की? हाँ जी। ये देखिए जी 1,28 की दी है, ये भी जाएगी भैंस महाराष्ट्र पूना में, और बढ़िया छोटे सिंह की साफ सुथरी ये भी देखिए। और खीसे खाली होती हुई भैंसे हैं, किसी भी डेयरी फार्म पर जब भैंस आती है तो उनको 5-4 दिन चाहिए सेट होने में। ये शायद कब दूसरे ब्यांत की है? सुबह खीसे खाली की 8:30 बजे। ठीक है। दूध देगी 14-15 किलो, अभी भी शाम को 5 लीटर दूध निकालेगी सुरेंद्र, 1,16,500 रुपए की दी है। 1,16,500। हाँ जी। ये कब इकट्ठी हुई है भैंस अपने पास? ये भैंस 2 दिन हो गया। अच्छा, 2 दिन हो गए। हाँ, कल से कुछ कल आई थी, कुछ आज आई है। ठीक है ठीक है। तो अभी टाइम लगेगा सेट होने में, क्यों? तो आज ये तो गाड़ी लोड करेंगे। ठीक है। गाड़ी आई हुई है। ठीक है। ये भैंस भाई? ये भैंस 1,11,000 रुपए की दी है सुरेंद्र। 1,11 की? हाँ। दूध है इसमें 14 किलो, अभी 14 किलो होगी एक हफ्ते की। ठीक है जी। एक हफ्ते की ब्याई, 14 किलो दूध मौके पे तैयार है ये देखिए। और कितने की दी बताइए? 1,11,000 रुपए। 1,11 की? ठीक है। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया। और इससे आगे फिर एक और, ये भाई? ये भैंस जी है 1,16,000 रुपए की सुरेंद्र। 1,16 की? हाँ। दूध है 15 किलो मौके पे भी। 15 किलो मौके पे? 12 दिन की ब्याई है। ठीक है। 15 मौके पे तैयार है? मौके पे तैयार है। ठीक है। ये देखिए जी बढ़िया ऑर्डर थान साफ सुथरे, बहुत ही बढ़िया ये देखिए। और ये भाई? इस भैंस में भी 14-15 किलो दूध तैयार है, 9-10 दिन की ब्याई है, 1,15,000 रुपए की ये दी है। 1,15 की? हाँ। ठीक है। ये देखो जी 1,15 की दी है, और बढ़िया अच्छा जो है दूध, और अच्छी क्वालिटी भैंस की है देखिए।
नीचे से ऑर्डर देखिए, काफी बढ़िया है। ये देखिए ले आ भाई। और ये 1,11,000 रुपए की दी है सुरेंद्र, 1,11,8,000 की, सॉरी 1,08,000 की, ठीक है 1,08,000 रुपए की दी है ये, ठीक है। ये देखिए जी 1,08,000 की फीस से खाली की है, ठीक है। कितना दूध दे देगी भाई? दूध दे देगी 14 किलो सुरेंद्र, ठीक है 14 किलो। ये बड़ी भैंस में 15-16 किलो दूध तैयार, हाइट की छोटी जरूर है, 1,05,000 रुपए की दी है, 1,05,000 की मौके पे तैयार, मौके पे तैयार दूध है 15-16 किलो। ये आगे वाली इस भैंस में सुबह खीस से खाली नहीं की है पूरी, ठीक है 14-15 किलो दूध निकालेगी, 1,13,000 रुपए की दी है, 14-15 निकाल देगी, ठीक है। ये देखिए जी भैंसे अभी आई है, कोई भी भैंस नहलाई धुलाई हुई नहीं है, सर्दी बहुत है और इन भैंसों को टाइम चाहिए जी, 10-15 दिन रुकेंगी एक जगह तो फिर जो है बढ़िया तैयारी पे भी आएंगी, अच्छा पेट भरेंगी। और यहाँ जो ये एरिया है ड्राई सा एरिया है और यहाँ पे तूड़ी और दाना दो ही चीज चलती है, हरा चारा है होता भी नहीं है। ये भाई 1,25,000 की दी है सुरेंद्र, 1,25,000 की, और अभी 14 किलो दूध तैयार है, 14 मौके पे की ब्याई होगी, ठीक है होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है 14 किलो दूध मौके पे तैयार है अभी, 14 मौके पे तैयार है। ये देखिए जी बढ़िया छोटे सिंह की ले आ भाई, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हाजिर है। और इससे आगे फिर आ गई एक और साफ सुथरी, 1,12,000 रुपए की दी सुरेंद्र, 1,12,000 की दे रखी है, दूध है 16 किलो तैयार मौके पे, 16 हाँ ठीक है, 1,12,000 में देखिए जी 16 किलो दूध की भैंस है, मौके पे 16 तैयार है, थोड़ी सी 13 दिन की ब्याई होगी, अच्छा 12-13 की, थोड़ी सी कमजोर दुबली पतली जरूर है लेकिन दुधारू भैंस दिखाई दे रही है, अडरथन भी काफी बढ़िया और बिल्कुल पतली चमड़ी की दिखाई दे रही है। ये देखिए ऑर्डर बहुत ही खास है भैंस में, ये देखिए 1,20,000 रुपए की दी है, 1,20,000 की, हाँ इसमें अभी 12 किलो दूध तैयार है, खीस से खाली होते ही, ठीक है। ये 1,20,000 की और ये जा रही है, ये कितने की है? 1,12,000 रुपए, 1,12,000 की, हाँ। वैसे देखा जाए तो 1,12,000 वाली इससे थोड़ी ज्यादा अच्छी है, क्यों भाई साहब आप वही बात जो पिछली वीडियो में की थी, बराबर नहीं है सुरेंद्र, मिलती नहीं है सब भैंसे, कोई महंगी आ जाती है 2,000, कोई पशु खरीदेंगे तो उसमें 5,000 कोई सस्ती कोई महंगी, 2,000 लेनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल अपना बनाना पड़ता है जी, लेने वाले को भी सिस्टम भाई, कोई महंगी आ गई तो महंगी, कोई सस्ती आ गई तो सस्ती। ये भैंसे 1,27,000 की दी है सुरेंद्र, 14 किलो दूध है अभी, ठीक है 6 दिन की ब्याई है, 5-6 दिन की ब्याई में 14 किलो दूध, ठीक है। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया वजनदार भैंस है, और ये भी जाएगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जाएगी, ठीक नहीं नहीं छत्तीसगढ़ जाएगी बिलाई, ये छत्तीसगढ़ जाएंगी, ठीक है। और ये गाय भाई सब जो आगे, ये गाय कोल्हापुर जाएंगी, 10 गाय आज तो इधर है, एक अंदरबंदी भी है, 7 ये है, 2 गाय आई नहीं है अभी, अच्छा आएंगी गाय कोल्हापुर जाएगी ये, तो ये बताना एक बार इनके रेट राट कुछ, जैसे ये एक नंबर पे है, ये 7 महीने की गबन है, ठीक है, ये 45,000 रुपए की दी है, कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी 17-18 किलो, 17-18 दे देगी आराम से, ठीक है। दो नंबर वाली ये भैंस, ये गाय 20 दिन में बच्चा देगी, 20 दिन में, 25 किलो दूध की गाय है, ठीक है। ये दी है 80,000 रुपए की, ठीक है 80,000 की, ठीक है। ये दी है 68,000 रुपए की, 68 की, 5-7 दिन में बच्चा दे देगी, ठीक है। ये बच्चिया दी है 73,000 रुपए की, 73 फर्स्ट बार की है, दूध के दांत में है, ठीक है, अभी 20-25 दिन टाइम है इसमें, अच्छा। ये गाय दी है 80,000 रुपए की, 25 किलो दूध तैयार है, ब्याई हुई है, अच्छा मौके पे 25 तैयार है, 25 किलो दूध तैयार है, सही है भाई। ये गाय दी है 87,000 रुपए की, ठीक है, इसमें भी 21-22 किलो दूध तैयार है अभी, ठीक है। ये गाय दी है 95,000 रुपए की, ठीक है, ब्याई 20 दिन में बच्चा देगी, अच्छा। ये कितना दूध दे देगी? ये दूध दे देगी लगभग 35 लीटर दूध दे देगी, बहुत भारी है गाय तो, है ना, मालिक तो 40-45 लीटर बोल रहा था, लेकिन 30-35 लीटर बोल के दी है, 35 लीटर दूध आराम से निकाल देगी। जिन भाइयों ने ली है उनसे भी अपन मिलना, बात करवाएंगे, आओ भैया बुला लो। ये देखिए जी जो भाइयों ने भैंसे ली है उनसे भी मिलवाता हूँ, और गाय भी काफी बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी सुंदर सुंदर है। तो ये आगे जी अपने भाई जिन्होंने भैंस ली है, तो कहाँ से है? झांसी से आए, झांसी से, हाँ। ठीक है, ले चुके, खरीद हो गई, अभी आई नहीं है इधर, ठीक है, हाँ। तो ये खरीद हो गई, बाकी चल रही है, हाँ हाँ, हाँ। अभी बाहर से ही आए थे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र भाई आपका क्या नाम है भाई साहब? रविंद्र यादव। आपका जी? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव आपका जी? रवि यादव। रवि, सारे भाई झांसी से ही हैं? कितनी भैंस ली हैं जी? 5 भैंस, 1 गाय। 5 भैंस और 1 गाय। कैसा व्यवहार है प्रमोद भाई का?
कोई सम... पूरी नहीं हुई है, लेंगे और लेंगे। अच्छा हाँ, और लेना है अभी। ठीक है, पांच भैंस और एक गाय होगी। ठीक है, तो भाई साहब कोई समस्या तो नहीं रही किसी तरह? अच्छा कोई समस्या नहीं। तो कितने आदमियों को भैंस दिला रहे हो प्रमोद भाई अभी फिलहाल मौके पे? दो पार्टी हैं, तीन है, चार है, तीन है सुरेंद्र, तो सारी अटेंड कर रहे हो? सब अटेंड कर रहे हैं भाई साहब। कोई समस्या तो नहीं आ रही कहीं आपको टाइम ना दे रहे हो? फुल टाइम दे रहे हैं और बेस्ट में बेस्ट। अच्छा अच्छा, पूरे जोश में हो भाई? पूरे जोश में, घर जैसा है, घर पे नहीं होता जो स्वागत सम्मान जो यहाँ मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा चलो सही है। रात को कोई दारू दूर भी पिलाते हैं थोड़ी बहुत या नहीं पिलाते? दूध पिलाया, दूध। अच्छा दूध, ठीक है, जोश तो दारू वाला है। हम तो कभी गुटखा नहीं खाया कभी लाइफ में। अच्छा अच्छा, अकेले बढ़िया दूध पिलाया, खाना बढ़िया खिलाया, बढ़िया लेटाया भाई साहब, एक नंबर व्यवस्था। चलो बढ़िया है जी, मुबारक हो भाइयों को, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी रहे वैसे आपको। और भाई भी आए हुए हैं। भाई साहब नमस्कार, कहाँ से हैं सर? पुणे से। पुणे से, बताइए सर नाम बताइए अपना। भूषण ताईत वाले है। ठीक है, आपका सर? विजय थोरत। विजय, तो आप कितने कितने भैंस लेके जा रहे हैं जी? 11 भैंस लिया है। 11 भैंस लिया, तो कैसा व्यवहार है जी भाई का? बढ़िया है इनका। अच्छा, पहले भी लेके गए हैं? पहली बार आए? पहली बार आए। अच्छा अच्छा, तो अच्छी है पैसे सारी जी? एकदम से, जैसा हम लोग बोल रहे थे ना वैसे दिखा रहे थे। ठीक है, कुछ जब हमको पसंद आ रही थी लेकिन वही कह रहे थे कि अच्छी नहीं है, आप ये मतलब ये दूसरी बार ले लो, मतलब हमको जितना नॉलेज नहीं है वो उनका नॉलेज से बता रहे थे कि ये सही नहीं है, इसके बारे में सोचो, तो हमको गाइड भी अच्छे से कर रहे ये थे। इनका फिर एक्सपीरियंस भी हो गया ना जी, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी अगर अपने को नॉलेज कम है और आप बिना काम ही तेज बने तो वो भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेयरी वाले पे थोड़ा आप डिपेंड हो जाए तो और बढ़िया रहता है। तो भाई साहब पहले भी रखी है वैसे गाय? नहीं नहीं, गाय है, देसी गाय है वहाँ पे। अच्छा, और भैंसों के लिए हम लोग पहली बार आए हैं। पहली बार आई है, ठीक है ठीक है। चलो जी, मुबारक हो आपको भी, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी रहे वैसे। तो और भी भाई आए हुए हैं उनसे भी, छत्तीसगढ़ से, कैसे हैं सर? आपकी तो हो चुकी खरीद पूरी है? ठीक है ठीक है, तो कैसा व्यवहार है प्रमोद भाई का? एकदम बढ़िया। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं किसी? कोई समस्या नहीं, बल्कि समस्या को सुलझाया गया। अच्छा, वो क्या आ गई थी? कुछ नहीं, बस ऐसा हमको कंफ्यूजन हो रहा था लेने। अच्छा, में, है ना, तो बताया। अच्छा, कि नहीं इस नस्ल की नहीं, इस नस्ल में जाइए, है ना। ठीक है, गाय गाय का? नहीं नहीं, भैंस भैंस। अच्छा, भैंस कौन सी नस्ल ले रहे थे आप? अपन ब्रीड पे आए थे, है ना, बोले फिर नहीं ये आप लेके जाइए, अभी जो सर्दी का मौसम है उसके हिसाब से आप ये रखिए करके। ठीक है, अगर दूध का काम है थोड़ा सा रिंगसिंग हो, दूध चाहे थोड़ा बहुत कम दे, माँ भैया ऐसा नहीं चलता, थोड़ा सा दूध की भैंस ले, अकेले सींग से भी मुर्रा नहीं होती, दूध भी चाहिए। सींग तो आगे बढ़ा लेना ब्रीडिंग करके भाई, HSB यूज किया करो जी, ताकि वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं बताया शायद आपने? धनंजय। और जगह कौन सी है? भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई, ठीक है ठीक है ठीक है प्रमोद भाई। तो ये देखिए जी, काफी बड़ा वीडियो हो चुका है, जितने भी पशुपालक साथी देख रहे हैं और जो भाई भैंस लेने आए हैं उनका जोश भी आप देखिए कितना है, सारे के सारे भाई खुश हैं। आप भी राज डेयरी फार्म से जुड़ के अच्छा पशुधन ले सकते हैं। पीछे भी बंदी हुई है, दिखानी है अभी वो? दिखा दे एक बार। अच्छा दिखाई दे फिर, ठीक है। तो ये देखो जी, जितने भी भाई हैं, योगेश भाई कह रहे हैं इधर भी बंदी हुई है भैंस, ये देखिए। और जो गायें बता रहे थे एक अंदर है वो ये, और ये इधर भैंस, और पीछे भी भैंस बंदी हुई है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जितने भी पशुपालक साथी वीडियो देख रहे हैं, शायद मैंने आज के वीडियो में एड्रेस नहीं बताया, राज डेयरी फार्म जो इनका गाँव है, एड्रेस है राम राम भाई साहब, तो जो इनका एड्रेस है, गांव है, वो मिंगनी खेड़ा है, जिला इनका हिसार है। आप भी अच्छा पशुधन लेना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, वैसे खरीद सकते हैं इनके यहाँ, साफ़ सुथरा पशुधन आपको रूटीन में जो है वो मिलता रहेगा। ये देखिए जी, इधर भी वैसे जो हैं बंदी हुई हैं, कुछ कटड़ियाँ बंदी हुई हैं सुंदर सुंदर, और काफ़ी बढ़िया जो है सिस्टम है। और अंदर भी देखिए, फुल भरा हुआ जो है, भरा हुआ नहीं, वैसे वैसे बंद जाती हैं यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा, दिमाग में जो है वीडियो बंद करने के लिए कुछ चल रहा था, तो इसलिए जो है। तो ये देखिए जी, जो भी पशुपालक साथी ये वीडियो देख रहे हैं, भैंस लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम।